महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यपाल भवन भोपाल, मध्य प्रदेश हिंदू जागरण मंच द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को हटाए जाने के लिए जगह जगह ज्ञापन दिए जाने का विरोध। उपरोक्त विषय में नियमानुसार ज्ञापन प्रस्तुत कर एक मांग निवेदन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हजारों सालों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए हुए हैं। यहां सुबह की शुरुआत जहां मस्जिदों में अजान की आवाज़ से गूंजने के साथ होती है, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में भजन और आरती होती है। गंगा जमनी तहजीब हजारों सालों से बनी हुई है, जो पूरे विश्व में एक मिसाल है। यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नीयत रखने वाले लोगों की गंदी मानसिकता के चलते इनके द्वारा आए दिन ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे देश के समस्त धर्मों में लोगों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना हो और हिंसा पैदा हो सके, जिसके चलते हिंदू जागरण मंच के लोगों द्वारा आए दिन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश भर में मस्जिदों में हो रही अजानों की आवाज़ को दबाने के लिए न सिर्फ ज्ञापन दिए जा रहे हैं बल्कि ज्ञापन के साथ साथ उत्तेजक एवं हिंसक नारेबाजी की जा रही है, जिससे देश के कई इलाकों में हिंसा बढ़ने के आसार हैं। ऐसे लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड जांचे जाएं और कईयों के विरुद्ध पुराने अपराध दर्ज पाएंगे। उनके द्वारा इस प्रकार के किए गए कृत्य एक मजहब की संवैधानिक आज़ादी को छीनने का प्रयास है। होता है दिनचर्या की शुरुआत होती है, तो ये भाईचारा सदियों से बना आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। उसके तहत हम ये चाहते हैं कि जो ये नफरत की दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं तो इनके खिलाफ प्रशासन को ये एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। ये जगह जगह जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, मतलब ये आज़ादी के बाद से मुसलमानों पर इस तरह के कुछ भी ऐसी चीज़ की घटना नहीं घटी है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि प्रशासन दोनों पक्षों को बराबर ही रखे, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं। और दूसरा जो ज्ञापन दिया हमने, जो मेरठ से दिल्ली हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली जा रहे थे, तो मतलब एक सांसद सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के AIMIM जो अध्यक्ष हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती है उनकी कार पर। वो शुक्र है ऊपर वाले का कि उन पर कुछ आज नहीं आई। एक सांसद पर गोलियां चलाई जाती हैं योगी जी के राज में, और मतलब वहाँ वो बोलते हैं कि गुंडा मुक्त हैं, बाकी सांसद सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। तो क्या लगता है यूपी में आपको आपकी पार्टी? बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जोरों शोरों से वहाँ का रिजल्ट, ये तो पता चल ही रहा है ना, ये तो ये जो गोलियां जो चला रहे हैं ये तो पता चल ही रहा है उससे ही कि कितनी बड़ी ताकत लेके असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर पहुंचे हैं। ये तो सबूत है उस चीज का जो गोलियां चलाई उन्होंने, ये तो डर है उनका।